चंद्रयान 3 कैसे हुई थी चांद की उत्पत्ति, पृथ्वी के लिए क्यों है खास। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चांद के कुछ ऐसे रहस्य हमारे सामने आए हैं जिसे आज तक हम अनजान थे जानेंगे। हम चांद के कुछ ऐसे चांद की भयानक दुनिया के बारे में, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे दोस्तों। चंद्रयान 3 ने भारत के साथ साथ भारत के लोगों को बहुत कुछ दिया है। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें चांद से लेकर चंद्रयान 3 का इतिहास आपके सामने पेश करेंगे। हम आपको पहले पाठ में बताएंगे कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरे पाठ में बताएंगे पृथ्वी के लिए कि क्यों जरूरी है चांद, तीसरे पाठ में बताएंगे कि चांद पर जाने के बाद कितना काम हो जाता है वजन, और चौथा पाठ में बताएंगे सौर मंडल में कितनी है चंद्रमा। तो लिए दोस्तों, चलते हैं चांद की भयानक दुनिया में। ऐसे हुई थी चंद्रमा की उत्पत्ति। हमारे सौर मंडल में जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब यह आज की तरह हरी भरी नहीं थी, बल्कि एक धधकता हुआ आग का गोला थी। धरती की गति, घूर्णन व दिन रात की अवधि भी पूरी तरह अलग थी। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के जन्म को लेकर कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन उनमें से बिग इम्पैक्ट थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कई अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ऊपरी सतह भी टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से सारा बिखरा मलबा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे एक पिंड के रूप में बदल गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का जन्म हुआ। आमतौर पर माना जाता है कि चंद्रमा का जन्म 4.1 बिलियन यानी 4.51 अरब सालों पहले हुई थी। हालांकि एक नए शोध में बताया गया कि दोनों ग्रहों के बीच वास्तविक टक्कर करीब 4.425 अरब साल पहले हुई थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे धरती के लिए क्यों खास है चंद्रमा। बिग इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार इस टक्कर के परिणाम स्वरूप ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 35.5 डिग्री झुक गई और हमारी पृथ्वी पर विभिन्न आर्थुओं का जन्म हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी के घूर्णन में स्थिरता आई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए अनुकूल पर्यावरण का जन्म हुआ। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हमें पृथ्वी को समझना है तो उसके लिए चंद्रमा को समझना अनिवार्य है। बिना चंद्रमा को समझे हम अपने सौरमंडल को भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। और दोस्तों, आज तक वैसा ही होता आ रहा है जिस तरह से चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया और अब चंद्रयान स्वा भी जाने वाला है, क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से चंद्रमा और सौर मंडल को समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए हमें और भी समझने की जरूरत है और वह प्रयास हमारे वैज्ञानिक लगातार नई नई चीज बनाकर कर रहे हैं। चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 364,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है, जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है। यह सांस लेने योग्य नहीं है। चंद्रमा के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है और न ही इसके चारों ओर कोई रिंग है। यह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27.3 दिनों 37 दिन 7 घंटे 33 मिनट 1154 सेकंड में लगाता है। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा धरती से 378 सेमी दूर होता जा रहा है। इस तरह 50 अरब वर्ष तक ऐसा ही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा 47 दिन लगाएगा। चांद पर इतना कम हो जाता है वजन, चांद पर आपका वजन धरती पर आपके वजन की तुलना में 1/6 भाग हो जाता है। यानी यदि धरती पर किसी का वजन 84 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन सिर्फ उसका 6वां हिस्सा यानी 14 किलोग्राम हो जाएगा। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल ये सब गुरुत्वाकर्षण का खेल है। चांद के गुरुत्वीय त्वरण का मान धरती के मान का 1/6वां हिस्सा होता है। इसी वजह से वहां पर किसी व्यक्ति का वजन उसके धरती पर कुल वजन का 1/6वां हिस्सा होता है, यानी चंद्रमा पर आपको पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि चांद पर पहुंचने के बाद आपके शरीर से कुछ कम हो जाता है इसलिए वजन भी कम हो जाता है। असल में भार और द्रव्यमान दो चीजें होती हैं। भार एक तरह का बल होता है। चांद पर पहुंचने के बाद आपका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपको अपने वजन में कमी महसूस होगी। दोस्तों, चौथा पाठ, देखना ना भूले
अब हम जानने वाले हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने चंद्रमा हैं, क्या चंद्रमा भी अनेक हो सकते हैं। इससे आज तक हम अनजान थे, तो लिए चलते हैं उन अनजान रहस्यों से रूबरू होते हैं। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आसमान में कितने चांद मून होते हैं, तो जाहिर है आपका जवाब होगा एक, लेकिन तब शायद आप गलत हो सकते हैं। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर मंडल में एक नहीं बल्कि अनेक चंद्रमा पहले से मौजूद हैं। कई चंद्रमा शनि ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने हाल ही में शनि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इन चंद्रमाओं की खोज के बाद सौरमंडल में अब कुल 145 चंद्रमा हो गए हैं। सौरमंडल जगत की ये अब तक की सबसे अहम और रोमांचक जानकारी है। सभी चंद्रमा मिलकर सौरमंडल में कुल 299 चंद्रमा है। पृथ्वी की तरह ही सौरमंडल में मौजूद बाकी के ग्रहों के पास भी उनके चांद यानी उपग्रह हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों के चंद्रमाओं को मिलाकर कुल 290 चंद्रमा है। नासा JPL की सोलर सिस्टम डायनेमिक्स टीम के अनुसार खगोलविदों ने 460 से अधिक प्राकृतिक उपग्रहों का दस्तावेजीकरण किया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन सभी 62 चंद्रमाओं के बारे में बताया है कि ये नियमित या स्थायी नहीं हैं। आशय यह कि ये जिस ग्रह पर पाए जाते हैं वहां की परिस्थिति के मुताबिक बिखरते और नए रूप में बनते भी रहते हैं। वैज्ञानिक सौरमंडल की इन परिघटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। किस ग्रह के चारों ओर कौन सी परिस्थिति बन रही है और क्या क्या घटित हो रहा है, इस पर पूरी चौकसी रखी जा रही है। वैज्ञानिकों ने शनि के सतह का अध्ययन करने के बाद ये बताया है कि यहाँ एक मध्यम आकार के चंद्रमा में करीब 100 मिलियन साल पहले बड़ा विस्फोट हुआ होगा, जिसके बाद उनके कई टुकड़े बन गए होंगे। वे टुकड़े अब धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की तरफ से जल्द ही नए चंद्रमाओं को मान्यता दे दी जाएगी। 12,000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक समूह इन चंद्रमाओं का नामकरण करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह नॉलेज वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार लिखकर जरूर टाइप करें, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते हैं, जिससे हर किसी को पता चल सके। चांद के इन भयानक रहस्यों के बारे में क्या आपने पहले भी कभी सुना था कि हमारे सौरमंडल में 290 से चंद्रमा है, तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।